अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, तुम्हारी औलाद भी क्या याद करेगी कि चाचा ने क्या दम निकाला है। जुर्म की दुनिया में तुम और मैं दोनों अपना पेट भर रहे हैं, फर्क इतना है कि मैं आटे की रोटी खाता हूँ और तुम गोबर की रोटी खाते। एक तरफ दुनिया नए साल यानी 2019 का जश्न मना रही है, तो वहीं बॉलीवुड के लिए 2019 की शुरुआत में ही बुरी खबर आई है। जी हां, लंबे समय से बीमार चल रहे 81 वर्षीय कादर खान का निधन हो गया है। 1 जनवरी को निधन हुआ है कादर खान का। कादर खान पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें लंबे समय से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए डॉक्टर उन्हें नियमित वेंटिलेटर और BPAP वेंटिलेटर पर रख रहे थे। कादर खान का दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। कादर खान को प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी डिसऑर्डर नाम की बीमारी थी। आखिरकार कादर खान को अपनी जिंदगी की आखिरी सांस 1 जनवरी को कनाडा में ली। कादर खान का अंतिम संस्कार भी कनाडा में ही किया जाएगा। कादर खान अपने खलनायक और कॉमेडियन दोनों रोल में मशहूर थे। कादर खान ने राजेश खन्ना के फिल्म रोटी के लिए डायलॉग भी लिखे थे। उस जमाने में कादर खान को लेखक के तौर पर 1,20,000 रुपये मिले थे, जो उस जमाने में बहुत बड़ी राशि थी। यस, फरमाइए। होम मिनिस्टर का पीए और 5 रुपए रिश्वत, थू थू थू, हट। कादर खान अपनी फिल्मी सफर के दौरान राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र के साथ काम कर चुके हैं, जिनमें राजेश खन्ना की महाचोर, छैला बाबू, धर्म कांटे, 50-50 और अमिताभ की कुली, देश प्रेमी, सुहाग। मटन करी, मटन मिलाए, मटन हलवाई, मटन परीन, मटन कोफ्ता, दाल फ्राई, दाल मखनी, रोटी है, चावल है, बोलो क्या ले गया हूं? दो प्लेट सबके ले आइए। दो दो प्लेट? और लोग भी आने वाले हैं क्या? हम लोग हैं ना, काफी हैं। दो आदमी में इतना खाना? जिंदगी में पहली मरतबा खाना करे क्या? कादर भाई। तो वही जितेंद्र की हिम्मत वाला सरफरोश, फर्ज और कानून जैसी फिल्मों में डायलॉग और पाठकथा भी लिखी थी। उनकी ज्यादा फिल्में गोविंदा के साथ थी, जो सुपरहिट कॉमेडी के तौर पर जानी जाती थी। कादर खान का जन्म 11 दिसंबर सन 1937 को काबुल में हुआ था। 1 जनवरी सन 2019 को इस दुनिया को कादर खान ने अलविदा कह दिया। हम आपको कादर खान की कुछ फिल्मी झलकियों के साथ छोड़ जाते। दुख? अरे भाई, दुख जब हमारी कहानी सुनता तो खुद दुख को दुख होता, तुम तो फिर भी इंसान हो। मगर हम खुददार लोग हैं, गम खाकर अपना पेट भरते हैं, आंसू से अपनी प्यास बुझाते हैं, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। कुछ मदद हो जाती तो। देखा बेटा, इसको कहते हैं गुरु वाली चाल। हाथी अगर बैठ भी जाए तो गधे से ऊंचा होता है ना? लो, ये कोना पकड़ो वहां से और तुम वहां से पकड़ो। कैंची? कैंची भी नहीं लाए सरकार। अच्छा, वो भी हम लाए। अच्छा, कहां से आगे पता नहीं, उद्घाटन कराने के लिए रेडी? हाँ जी, बजाओ ताले। क्या भगवान, मैंने तुझसे कहा था माशू का गद्दार मत देना, मालिक ईमानदार मत देना, तूने दोनों गड़बड़ कर दिया ना। ये क्या मालिक है, एक पैसा कमाने नहीं देता, देख जेब खाली है। मेरी कहानी फिर से लिखना, मैं आगे मिलता हूँ।